शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एलएस फूड्स। आज हम बनाएंगे बहुत मज़े की स्वीट्स की रेसिपी जो कि बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आने वाली है। आप लोग इसको लाजमी ट्राई करना, आप लोगों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। चलें बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने आधा किलो गाजर ली है, उसको अच्छे से वॉश करके साफ़ करके उसको कट कर लेना है। फिर हमने गाजर को बॉयल पानी में ऐड कर देना है और मैंने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है, ज़्यादा भी इसको सॉफ्ट नहीं करना। जब गाजर सॉफ्ट हो जाए, इसको मीडियम फ्लेम पे मैंने बॉयल किया है, अब हम इसको जग में ऐड करेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून के करीब इसमें शुगर ऐड करेंगे और इसका हम मिक्सचर बना लेंगे। फिर हम एक पैन लेंगे, उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब और उसमें हम इस मिक्सचर को ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसको हमने लो से मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ज़्यादा फ्लेम नहीं करनी वरना ये जल जाएगा। इसको हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे, जब इसमें से खुशबू आने लग जाए तो इसका मतलब गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। इसके ऊपर हम ग्रेटेड कोकोनट और पिस्ता बादाम ऐड कर देंगे, स्प्रेड कर देंगे। और इसको हम उतार लेंगे। इसके बाद हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है और हमने ब्रेड को गर्म करना है। इसके बाद हम ब्रेड के ऊपर हलवे की लेयर बनाएंगे। आप लोग यकीन ही कर सकते हैं ये रेसिपी कितने मज़े की है। आप लोग बच्चों को बना के खिलाएं, गेस्ट को सर्व करें, इसको एज आ मिठाई मीठा यूज़ कर सकते हैं। आप लोग चाय के साथ इसको बना के खाएं, बहुत मज़े की ये रेसिपी है। आप लोग एक बार बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगी। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी ऐसी मज़े की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हमने इस लेयर को पतला नहीं करना, थोड़ा सा मोटा बनाएंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर ग्रेटेड पिस्ता बादाम कोकोनट स्प्रेड कर देंगे। ड्राई फ्रूट से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब हमने इसके ऊपर ब्रेड को रख देना है और इसको कवर कर देना है। माशाल्लाह हमारी ब्रेड की रेसिपी रेडी हो चुकी है। इसको आप लोग सर्व करें, अपने घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं। मुझे पूरा यकीन है कि उनको भी बहुत पसंद आएगी। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।